सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी कशिश वारसी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वारसी ने कहा कि एक कार्यक्रम में शरीक होने के बाद ये कट्टरपंथी उन्हें धमकियां दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी कशिश वारसी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि कट्टरपंथियों ने उन्हें टारगेट कर रखा है, जिसके बाद उन्होंने नागफनी थाने में शिकायत की है। देखिए, हमने पीएफआई को बैन कराया है और ये बात कट्टरपंथियों को बर्दाश्त नहीं होगी। इन कट्टरपंथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि गैर मुस्लिम जो है या हुसैन के नारे लगा रहे हैं या अली के नारे लगा रहे हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक देश के अंदर कौमी यकजहती का माहौल बन रहा है, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वारसी का कहना है कि कट्टरपंथियों ने वीडियो के एक हिस्से को सोशल मीडिया पर वायरल कर उन्हें ट्रोल किया है। ये वीडियो 1 दिसंबर का बताया जाता है, जब वो होशियारपुर में प्रकाश उत्सव कंजक शहजादी शकीना नाम से एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। शहर के अंदर कुछ राजनीतिक लोग और कुछ मतलब नाम निहाद लोग जो हैं वो उसको वायरल कर रहे हैं, और उस वक्त वायरल कर रहे हैं जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के ऊपर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रखने जा रहा है। ऐसे माहौल में देश की फिजा को ख़राब किया जा रहा है।